यूपीएसआई का एग्जाम कब होगा? हर दिन बहुत सारे फोन मेरे पास आते रहते हैं और जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा एक ज्वलंत सवाल है। तो आज सोचा कि चलो मैं इसका जवाब देता हूं कि यूपीएसआई एग्जाम कब होगा। लेकिन मैं पहले एक स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भैया, मेरे पास ना सीएम का फोन आता है ना उनके सेक्रेटरीट से कोई फोन आता है कि यूपीएसआई का एग्जाम कब होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ चैनलों में ऐसे बात किया जाता है कि जैसे उनके पास फोन करके बताया जा रहा है कि एग्जाम कब होगा। मैं एक स्वाभाविक बुद्धि से इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं और 40 साल के अनुभव से इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखो, आपका यूपी का जो इलेक्शन है वो फरवरी मार्च में होगा, तो नेचुरली इतनी बड़ी वैकेंसी जहां अनएम्प्लॉयमेंट का एक सवाल काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है, उसके जवाब में कुछ तो होना चाहिए, इस बात को आप नकार नहीं सकते हो। और हर राजनीतिक नेता जानता है कि जनता का याददाश्त बहुत कमजोर होता है, तो अभी वो अगर एग्जाम को कंडक्ट करते हैं तो दो मुसीबत खड़ा हो जाता है। पहला, कोरोना के लिए अपोजिशन इसका अपोज करेगा। दूसरा, अगर अभी एग्जाम हो जाता है तो फिर इस एग्जाम का राजनीतिक फायदा कुछ नहीं है। तो आप ही खुद सोचो ना, आप ही सीएम बन जाओ तो क्या आप इस एग्जाम को अभी होने दोगे? सीधा सपाट सवाल है, नहीं। तो कब होगा? यह दिसंबर के 15 तारीख से जनवरी के 15 तारीख में हो जाएगा। क्यों? उसके महीने भर के बाद आपका इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन में आपका अनएम्प्लॉयमेंट का एक जवाब भी तैयार हो जाता है। लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई, सरकार तो नौकरी दे ही रही है, और पहले नहीं दे पाई क्योंकि कोरोना काल था। फिर थर्ड वेव आने की बात है अगस्त महीने में, तो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से एकदम पकड़ लो कि यही होने वाला है और यही होगा। आप भी इस लॉजिक को काट नहीं सकते हो। अब चलिए, क्या पढ़ें? आप लोगों में से बहुत किसी ने तैयारी कर चुके होंगे, कुछ लोग तैयारी करेंगे करेंगे करके शुरू ही नहीं हो पाए कि कोरोना आ गया, अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम कब होगा तो तैयारी कहां से शुरू करें। तो चलो पहले पेपर के एनालिसिस को देख लेते हैं और पीछे क्या क्या आया था और हर पेपर पे कौन से वो मुद्दे ज्यादा रहे जिन पर सवाल ज्यादा पूछे गए, क्योंकि तैयारी का क्रम ऐसा होना चाहिए जिन चैप्टर्स पर, जिन टॉपिक्स पर वेटेज ज्यादा है उसे पहले क्लियर करना चाहिए। जिस टॉपिक्स पे या चैप्टर पे बनने की संभावना कम है उसे बाद में तैयार करना चाहिए। यही एक स्वाभाविक आपका स्ट्रेटेजी होता है। तो चलिए अब स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। अब देखिए, ये बात तो जानते हैं, मैंने जानबूझ के तो भी रखा हुआ है, हिंदी से 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ये जो सिंपल मैं बता रहा हूं, आगे आप अंत तक देखें, हर पेपर का पर्याप्त रूप से एनालिसिस होगा। मूल विधि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में 24 सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज या सामान्य जागरूकता में 16 सवाल पूछे जाते हैं, और इन दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, गणित जो है, इसमें 40 सवाल पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और तर्क शक्ति जो है उस पे 40 सवाल होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल परीक्षा जो है 400 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कि 17 को बेंचमार्क मानते हैं। तो देखिए, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे कि मुहावरा,
एकार्थी शब्द ये सब हैं, इसमें अभ्यास करना जरूरी है। तो चलिए फटाफट हम एक नजर देख लेते हैं। गद्यांश के ऊपर 5 सवाल के करीब पूछे जाते हैं, अलंकार में 2 सवाल पूछे जाते हैं, रस और छंद में 2 से 3 सवाल, संधि में 3 से 4 सवाल, उपसर्ग और प्रत्यय में 2 से 3 सवाल, मुहावरे में 3 से 4 सवाल, एकार्थी में 2 सवाल, वचन कारक संज्ञा लिंग सर्वनाम इसमें 10 से 12 सवाल एक चंक है, वाक्य क्रम स्थापन में 2 सवाल, प्रसिद्ध कवि की कृतियां बहुत ज्यादा मत कीजिए 2 से 3 सवाल ये आते हैं, रिक्त स्थान में 3 से 4 सवाल। ये आपके हिंदी के हुए, मैं उल्टा करके चल रहा हूं। अब आते हैं कि जनरल नॉलेज में, जनरल नॉलेज में ध्यान देंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल जो है 17, 14, 44 और 51 पे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, इसके लिए जो है इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री जो है इतिहास में उसमें से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए पुलिस ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम इसके ऊपर 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 8 से 10 सवाल जो है, 8 से 10 सवाल किससे किससे जुड़े हुए होते हैं, ओमेन एक्ट से, चाइल्ड एक्ट से और मैरिज एक्ट से जुड़े हुए होते हैं। ज्योग्राफी से ज्यादा नहीं सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल, तो ज्योग्राफी को लेके पूरा समय व्यतीत मत कीजिए भूगोल को लेके। 7 से 8 सवाल जो है ट्रेडिशनल जीके से है, जैसे स्पोर्ट्स से है, अवार्ड से है, इंपॉर्टेंट डेट से है। कॉन्स्टिट्यूशन मूल विधि तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मूल विधि में भी क्या पढ़ेंगे जिसकी चर्चा मैंने किया हुआ है। तो चलिए आगे देते हैं, आगे देखते हैं कि गणित में क्या होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से अब पकड़ लीजिए एक एक सवाल आते हैं। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट, इससे 3 से 4 सवाल आते हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में उल्टा है यहां, अगर हम 2017 की बात करते हैं तो संख्या पद्धति से 2 से 3 ही सवाल आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे 5 सवाल आते हैं, इस पे जरूर ध्यान देंगे। समय और दूरी से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। मिक्सचर और रेशियो यहां पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। समय और काम से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। क्षेत्र मिति से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। औसत से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। प्रतिशत से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर, तर्क शक्ति के ऊपर जरी बात कर ले। इनपुट आउटपुट 2017 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, 5 सवाल पूछे गए थे। रक्त संबंध में 2 सवाल पूछे गए थे। कोडिंग पी कोडिंग इंपॉर्टेंट रहा, 2 से 3 सवाल पूछे गए। सिस्टम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से 2 से 3 सवाल पूछे गए। सिलोगिज्म से जो है आपका जो है 2 से 3 सवाल पूछे गए। सिटिंग अरेंजमेंट बैंक के पैटर्न का था, इसलिए लिखा हुआ है कि ये रैंकिंग अरेंजमेंट, लेकिन सवाल जो था आसान था, लेकिन बैंक की जो सवाल पूछे जाते हैं लंबे चौड़े थे, 2 से 3 सवाल पूछे गए। नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज से 4 सवाल पूछे गए थे। एजम्पशन से 3 सवाल पूछे गए। पेपर कटिंग पे सवाल आए, 2 सवाल आए। एम्बेडेड फिगर्स से भी 2 सवाल आए। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। तो देखिए ये रहा हमारे कंप्लीट आपके यूपीएसआई के पेपर का एनालिसिस।
ये एनालिसिस इसलिए करना जरूरी होता है, इसके मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी करते हैं। बराबर याद रखें, हमें मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ समझना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस चीज को देख लेते हैं, हमारे दिमाग में एक बात को आना चाहिए, पहले इन चीजों की तैयारी करेंगे। आपकी तैयारी सही तरीके से हो, इसके लिए एक मेरा लाइव क्लास है, यूट्यूब पर है, और ये शाम 6 बजे होता है। दिन जरा देख लें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। अब देखिए यहां पे मैं कैसे पढ़ाता हूं, इसमें दो चीज, मानव कैलकुलेटर मैंने क्यों बोला है, जैसे मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं, ये मतलब है कल हो गया है और कल है, तो देखो नंबर सिस्टम में जितने टाइप के सवाल हैं, छोटे में, एकदम छोटे में कैसे किया जा सकता है। तो अगर किसी का गणित कमजोर है तो उसे तो छोटे में ही सीखना होगा और सारे टाइप को सीख लेना होगा। अगर सारे टाइप को वो सीख लेता है, अभी थोड़ा तो टाइम है ना, लाइव क्लास में जहां अगर आपको समझ में नहीं आता है, ये एक ऐसी यूट्यूब की क्लास है जो आप आश्चर्य हो जाओगे, क्योंकि मैं सबसे पूछता हूं कि भैया समझ में आया, अगर किसी कोई बोलता है कि समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूं और एकदम छोटे में कैसे हल किया जाता है। इन दोनों चीजों से आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, 1 घंटा अगर देते हैं, आपका जो है गणित निपट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह देखो, अभी तो चलो बायोलॉजी चल रहा है, ये आपका जो है शनिवार को होता है, मंगलवार को होता है और बृहस्पतिवार को होता है। अभी ये बायोलॉजी चल रहा है और 3-4 दिन के बाद से, मतलब 3 क्लास के बाद से, ये भी सप्ताह में 3 दिन होता है, इसमें आप जो है मूल विधि जो है उसे एकदम मैं याद करा देता हूं। याद रखना, यहां क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी पैसे वैसे तो लगेंगे नहीं इसमें, ये भी शाम 6 बजे को है। और इसके साथ ही साथ रात 9 बजे को, ठीक है ना, हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको जो है देवाशीष सर जो है वो रीजनिंग सिखाते हैं रात 9 बजे से। उनका भी स्टाइल मेरे ही जैसा है और वहां पर टेस्ट वगैरह भी, आप किसी भी चैनल पे लाइव क्लास में टेस्ट देने की सुविधा नहीं देखते हैं, वहां टेस्ट भी देना पड़ता है बच्चों को, देते हैं, फिर सबसे ज्यादा जो मार्क्स आया उसको उसके फोटो के साथ कंग्रेचुलेशन दिया जाता है, मजा आता है क्लास में। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप इन लाइव क्लास को अटेंड करें। और साथ ही साथ मैं एक बात आपको और भी बोलना चाहूंगा कि आप जो भी आपके दोस्त हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और देखिए, एक ऐप है जो 100% फ्री है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो दोस्त, सारे मटेरियल है वहां पर, बस आपकी शुरुआत होने की जरूरत है, सब कुछ है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर कभी मुलाकात होगी। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।